नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद गणेश कुंजाम, गिधाली में देर रात हुआ अंतिम संस्कार। कांकेर के शहीद जवान गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर उसके गृह ग्राम गिधाली पहुंच गया, जहां तिरंगे के साथ रैली निकालकर सलामी दी गई और देर रात अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांकेर सांसद, विधानसभा अध्यक्ष मनोज मंडावी समेत जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। आज से रोका छेका अभियान की शुरुआत, आवारा पशुओं को सुरक्षित रखना मकसद। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए आज से रोका छेका अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इसके तहत खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना अब आसान होगा। इस योजना से प्रदेश भर के ऐसे सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानें और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़क द्वारा नहीं जुड़ पाई थी, वे सभी पक्के एवं 12 मासी मार्ग से जुड़ेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित थे। फिल्म इंडस्ट्री से आई फिर बुरी खबर, मशहूर डायरेक्टर का हुआ निधन। फिल्म जगत से फिर एक दुखद खबर सामने आ रही है। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर KR सच्चिदानंद उर्फ सैची का गुरुवार को निधन हो गया। वह 48 वर्ष के थे। बताया जा रहा है कि सैची का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। KR सच्चिदानंद उर्फ सैची को मलयालम फिल्म अय्यप्पनम केशुम को बनाने के लिए जाना जाता है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।